वेल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड कंपैरिजन करने के लिए जा रहे हैं नॉइस शॉर्ट्स एक्सो वर्सेस क्रॉस बीट्स पेबल ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का। दोनों के दोनों जो ईयरबड्स हैं वो हाल फिलहाल में ही मार्केट में लॉन्च हुए हैं और दोनों की जो प्राइसिंग है उसमें आपको सिर्फ 500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इन दोनों ईयरबड्स को जो है मैं कंटिन्यूसली 4-5 दिनों से जो है अपने डे टू डे यूजर्स में लेके आ रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि आखिर किसका परफॉर्मेंस किससे बेटर है, किसे जो है हमें परचेस करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, आखिर कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा नाम है चंदन झा और आप इस वक्त देख रहे हैं झा टेक्नो। और हाँ दोस्तों, इन दोनों ईयरबड्स का जो है मैंने डिटेल्ड रिव्यू भी बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके इन दोनों का डिटेल्ड रिव्यू भी देख सकते हैं। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के डिटेल कंपैरिजन और डिटेल्स रिव्यू मैं अक्सर अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इन दोनों का जो है वो डिटेल्ड कंपैरिजन। स्टार्ट करते हैं इन दोनों के लुक्स और डिजाइन से दोस्तों। तो यहां पे अगर मैं बात करूं नॉइस शॉर्ट्स एक्सो के लुक्स का, तो कंपनी ने इसको 3 कलर वेरिएंट में मार्केट में लॉन्च किया है। एक आता है आपका स्पेस ग्रे जिसे मैं यूज कर रहा हूं, दूसरा आता है आपका रोज गोल्ड और तीसरा जो आ जाता है वो आपका आता है रोज ब्लैक या पता नहीं क्या नाम है, बट यहां पे 3 कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसके केस की कलर की बात करूं तो यहां पे ऊपर की साइड से आपको ग्लोसी टच देखने को मिल जाता है, वहीं पे नीचे की साइड से देखेंगे तो यहां पे आपको मैट जो है वो कलर कोटिंग यहां पे करी गई है। वहीं पे अगर मैं इसके ईयरबड्स की बात करूं दोस्तों तो ईयरबड्स में जो है यहां पे मेटेलिक टच यहां पे देखने को मिल जाता है, मेटेलिक फिनिश के साथ में आ जाता है जिसकी वजह से ये काफी ग्लोसी और शाइनी लुक आपको प्रोवाइड कराता है। तो यहां पे नॉइस शॉर्ट्स एक्सो के अंदर में तो यही आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं क्रॉसबीट पेबल की बात करूं दोस्तों तो क्रॉसबीट पेबल जो है यहां पे 2 कलर वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। एक आता है आपका जो है इंपीरियर जेड जो कि मेरे पास है, जो कि मुझे लगता है कि ओलिव टाइप का जो कलर है वैसा है, साथ में दूसरा आता है आपका ब्लैक कलर। तो यहां पे 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके केस की कलर की बात करूं और फिनिश की बात करूं तो ये टोटली जो है आपका मैट फिनिश में आता है, यानी कि ग्लोसी फिनिश आपको देखने को नहीं मिलता, मैट फिनिश है जो काफी जो है अच्छी क्वालिटी का जो है ना फिनिश इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। वहीं पे ईयरबड्स की बात करूं तो ईयरबड्स पे भी आपको जो है मैट फिनिश देखने को मिल जाता है। साथ में ईयरबड में जो आपका पुश बटन दिया गया है उसके ऊपर में कॉपर कलर का यूज किया गया, तो यहां पे ये भी जो है काफी अट्रैक्टिव आपको और प्रोफेशनल लुक आपको प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे लुक्स वाइज तो दोनों काफी अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर मैं इन दोनों के डिजाइन की बात करूं दोस्तों तो नॉइस शॉर्ट्स एक्सो का जो केस है वो टोटली आपको राउंड शेप में देखने को मिल जाएगा जो कि काफी डिफरेंट सा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। वहीं पे अगर मैं इसके ईयरबड्स की बात करूं दोस्तों तो ईयरबड जो है वो आपको जो आपके ईयर के अंदर में जो साइड जाता है वो स्लाइटली जो है वो थोड़ा सा उसको लंबा कर दिया गया है। साथ में ऊपर की साइड से जो आगे का पोर्शन रहता है इसको जो है ऊपर की साइड से थोड़ा सा फ्लैट कर दिया गया है जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आपको फील कराता है, बट डिजाइन जो है आपको टिपिकल ईयरबड जो मार्केट में आते हैं उसी टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। तो डिजाइन वाइज तो मुझे ठीक ठाक नॉइस शॉर्ट्स एक्सो देखने को मिल गया है। वहीं पे अगर मैं क्रॉसबीट पेबल की बात करूं तो यहां पे इसका जो केस है वो आपको ओवल टाइप का जो डिजाइन आता है वो आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी यहां पे कॉम्पैक्ट यहां पे देखने को मिल जाता है, इसलिए आपके हाथों में आ जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं नॉइस शॉर्ट्स एक्सो के केस की तो यहां पे आपको आपके हाथ में तो ये भी आ जाता है बट थोड़ा सा जो है ना उतना ईजी नहीं होता जितना ईजी आपका क्रॉसबीट पेबल यहां पे देखने को मिलता है। तो इसका जो केस है क्रॉसबीट पेबल का वो नॉइस शॉर्ट्स एक्सो के केस से जो है ना थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं क्रॉसबीट पेबल के ईयरबड की डिजाइन की बात करूं तो ये भी आपको टिपिकल जो है राउंड शेप में जो है थोड़ा सा देखने को मिल जाता है इसका डिजाइन, जो कि काफी अच्छा यहां पे डिजाइन आपको क्रॉसबीट पेबल का भी देखने को मिलता है। तो डिजाइन वाइज और लुक वाइज ऑलमोस्ट मुझे ऐसे लगते हैं कि दोनों जो है काफी अट्रैक्टिव और काफी अच्छे यहां पे लुकिंग आपको प्रोवाइड कराता है, बट अपना अपना प्रेफरेंसेस है। किसी को जो है मैट फिनिश मैट टच वाले पसंद आते हैं, किसी को जो है वो शाइनी ग्लोसी लुक आपका पसंद आता है। तो यहां पे दोस्तों आपको लुक वाइज और डिजाइन वाइज दोनों काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनके जो है बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं नॉइस शॉर्ट्स एक्सो की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहां पे इसका जो केस है वो टोटली आपको प्लास्टिक का यहां पे देखने को मिल जाता है दोस्तों, बट यहां पे जो प्लास्टिक का यूज किया गया वो चीप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज नहीं किया गया, काफी अच्छी क्वालिटी का आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, जो कि इसका जो लुक है वो ऐसा लगता है कि जैसे मेटल का केस आपका जो है वो बनाया गया बट ये है टोटली आपका प्लास्टिक। वहीं पे जो है बैक साइड में आप देखेंगे तो यहां पे आपको जो है एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, उसी
के नीचे जो है आपको एक एलईडी लाइट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। साथ में इसको जो है ऊपर में किसी टाइप के रबराइज मटेरियल से जो है इसको कवर किया गया। साथ में इसके अंदर की साइड, केस के अंदर की साइड देखेंगे तो ये भी आपको टोटली प्लास्टिक का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी फिनिशिंग काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका केस है नॉइस शॉट एक्सो का, वो टोटली आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। वहीं पे इसका जो नॉइस शॉट एक्सो का जो आपका ईयरबड है, ये भी आपको टोटली प्लास्टिक का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बट मेटेलिक कलर इसमें यूज किया गया, जिसकी वजह से ये भी आपको जो है ऐसा फील कराता है जैसे कि ये मेटल का ये है, बट है टोटली दोनों ईयरबड्स भी और केस भी टोटली आपको प्लास्टिक का यूज किया गया। वहीं पे अगर मैं क्रॉस बिट पेबल की बात करूं, तो यहाँ पे क्रॉस बिट पेबल के केस की बात करूं, तो ये भी आपको टोटली आपको जो है प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों इसका जो प्लास्टिक है वो काफी ज्यादा रॉक सॉलिड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मतलब काफी मजबूत और मतलब बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक का यूज किया गया इसके केस के अंदर में। साथ में इसके केस पे जो कलर की कोटिंग करी गई है वो किसी टाइप का जो है ना ग्रिपी आपको फील कराता है, काफी स्मूथ आपको फील कराता है यहाँ पे आपका इसका केस। वहीं पे बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, साथ में दो एलईडी लेफ्ट और राइट साइड में एलईडी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे सामने एक साइड में जो है इसके जो है क्रॉस बिट का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर मैं इसके ईयरबड्स की बात करूँ क्रॉस बिट पेबल के ईयरबड्स की, तो वो भी आपको टोटली जो है उसी का प्लास्टिक, उसी टाइप का प्लास्टिक यूज किया गया जिस टाइप का आपका जो है इसके केस में यूज किया गया, और साथ में फिनिश भी आपको वही देखने को मिल जाता है। साथ में ऊपर की साइड से आपको जो है पुश वाला जो बटन है वो भी आपको जो है प्लास्टिक का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो टोटली जो है ये भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों जो है काफी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का यूज किया गया है। एक में जो है वो मेटेलिक टच मतलब फिनिश के साथ में आपको आ जाता है, दूसरा जो है आपका वो रॉक सॉलिड प्लास्टिक के साथ आ जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी जो है मुझे काफी जो है बेटर लगा है दोनों के दोनों। अब बात करते हैं दोनों के कंफर्ट और फील के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉइस शॉर्ट्स एक्सो के कंफर्ट लेवल का, तो यहाँ पे ये काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगा। 3 घंटे कंटिन्यूसली यूजेस में भी जो है मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे ईयर में पेन हो रहा है या फिर अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। वहीं पर अगर मैं क्रॉसबिट पेबल की बात करूँ, तो इसमें भी जो है मैंने इसको कंटिन्यूसली 2.5 घंटे यूज किए, उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये अनकंफर्टेबल है या फिर पेन फील करा रहा है। तो दोनों कंफर्ट वाइज जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। वहीं पर अगर मैं ग्रिप की बात करूँ दोनों की, तो यहाँ पे जो नॉइस सोर्स एक्सो का जो ईयरबड है, ये आपका जो साइड आपके कानों के अंदर जाता है वो स्लाइटली लंबा किया गया, जिसकी वजह से ये काफी अच्छी तरीके से आपके ईयर में जो है वो फिट और ग्रिप आपको प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से आप रनिंग करते हैं या जिम में जाते हैं या फिर हेड को काफी ज्यादा मूवमेंट वगैरह करते हैं, तो ये काफी बेटर आपको ग्रिप प्रोवाइड कराता है यहाँ पे। वहीं पर अगर मैं क्रॉसबिट पेबल की बात करूँ, तो क्रॉसबिट पेबल भी काफी अच्छा आपको यहाँ पे ग्रिप प्रोवाइड कराता है, काफी अच्छी तरीके से फिट बैठ जाता है। बट यहाँ पे कंपेयर टू नॉइस सोर्स एक्सो, क्रॉसबिट पेबल थोड़ा कम आपको ग्रिप प्रोवाइड कराता है, जबकि नॉइस शॉर्ट्स एक्सो जो है वो आपको बेटर ज्यादा आपको ग्रिप प्रोवाइड कराता है। तो यहां पे ग्रिप वाइज जो है दोस्तों दोनों काफी अच्छे हैं, बट यहां पे नॉइस शॉर्ट्स एक्सो ज्यादा आपको बेटर ग्रिप प्रोवाइड कराता है। तो यहां पे फील, कंफर्ट और ग्रिप जो है वो दोनों का ऐसा ही आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बैटरी के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉइस शॉर्ट्स एक्सो का, तो यहाँ पे इसका जो केस है उसके अंदर में कंपनी ने 720 mAh की बैटरी का यूज किया गया है। साथ में इसका जो ईयरबड्स है उसके अंदर में 40 mAh की बैटरी का यूज किया गया है ईच ईयरबड्स के अंदर में। और कंपनी का ये कहना है कि ईयरबड्स विथ चार्जिंग केस ये तकरीबन आपको 36 आवर का प्ले टाइम देता है दोनों साथ में मिला के। वहीं पे इसका जो ईयरबड्स है वो एक बार पूरी तरीके से चार्ज होने के बाद आप 70% वॉल्यूम लेवल पे इसको यूज करते हैं तो आपको 6 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है। अब मेरे टेस्टिंग के अंदर में जब मैंने इसके ईयरबड को पूरी तरीके से चार्ज करके जब यूज किया है, तो कंटिन्यूसली यूजर्स में 80% वॉल्यूम लेवल पे इसने मुझे जो है 4 घंटे 20 मिनट का प्ले टाइम यहाँ पे देखने को मिल गया है। वहीं पे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में इसके दोनों ईयरबड चार्ज होने में तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट का इसने टाइम लिया है। साथ में नॉइस शॉर्ट्स एक्सो जो है वो टोटली जो है आपको फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यूएसबी टाइप सी के साथ में आ जाता है। साथ में आपका जो है ये वायरलेस चार्जिंग को भी जो है वो सपोर्ट करता है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। वहीं पे मैं क्रॉसबिट पेबल की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसके वेबसाइट पे जो है वो ये बताया गया कि इसका जो चार्जिंग केज है वो 700 mAh की बैटरी का है, बट इसका जो यूज़र गाइड है, यूज़र मैनुअल है, उसके अंदर में इसके चार्जिंग केज के अंदर 500 mAh की बैटरी का दिखाया गया। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि आखिर कितना mAh की बैटरी यूज करेगी ये, बट मुझे 500 mAh की बैटरी इसके चार्जिंग केज के अंदर में यूज किया गया ऐसा लगता है इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके ईयरबड्स की, तो ईयरबड्स में कंपनी ने 50 mAh की बैटरी का यूज किया गया ईच ईयरबड्स के अंदर में, और इसको जो है
पूरी तरीके से चार्ज करने के बाद में जब मैंने कंटिन्यूसली 80% वॉल्यूम लेवल पे इसको यूज किया है, तो इसने जो है इसका ईयरबड 4 घंटे 5 मिनट का इसने प्ले टाइम मुझे दिया है। तो यहाँ पे ये जो है आपका उतना बेटर परफॉर्म नहीं करता कंपेयर टू नॉइस सोर्स एक्सो। यहाँ पे आपका नॉइस सोर्स एक्सो जो है वो साफ साफ आपको इससे बेटर जो है वो प्ले टाइम देता है, बेटर बैटरी बैकअप देता है, और यहाँ पे आपको जो है वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है जो कि आपको क्रॉसबिट पेबल के अंदर में देखने को नहीं मिल जाता। तो बैटरी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे जो है नॉइस सोर्स एक्सो जो है वो पूरी तरीके से विनर है दोस्तों। अब इसके कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कंट्रोल्स बात करूं अगर नॉइस सोर्स एक्सो का, तो यहाँ पे टोटली कंट्रोल आपको यहाँ पे टच सेंसिटिव टच कंट्रोल के साथ में आ जाता है जो कि काफी रिस्पॉन्सिव यहाँ पे देखने को मिला है और काफी अच्छा टच कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। और सारे के सारे जो कंट्रोल्स है वो वैसे ही काम करते हैं जिस तरीके से इसके वेबसाइट पे यूजर मैनुअल के अंदर में दिया गया। तो टच कंट्रोल में यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है नॉइस सोर्स एक्सो का। वहीं पे जो आपका क्रॉसबिट पेबल है इसके अंदर में इसके जो ईयरबड्स हैं उसके ऊपर में आपको जो है वो पुश बटन का यूज किया गया है जो कि ठीक ठाक यहाँ पे मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों, और वैसा ही काम करता है जैसे इसके यूजर मैनुअल में दिया गया है। बट यहाँ पे इसके जो डिटेल रिव्यू है उसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये कि इसका जो पुश बटन इसका दिया गया है वो स्लाइटली जो है हल्का सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज्यादा आपको जो है वो पुश करना पड़ता है तब जाके ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। स्लाइटली, ज्यादा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा तेज दबाना पड़ता है ऐसा नहीं, बट स्लाइटली प्रेशर आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज आपका देखने वाला। तो यहाँ पे कंट्रोल्स तो दोनों का जो है ऐसा ही देखने को मिलता है, किसी को टच पसंद आता है, किसी को बटन वाले भी फिजिकल बटन आपको पसंद आता है, तो वो अपने अपने प्रेफरेंसेस यहाँ पे। तो यहाँ पे टच कंट्रोल वाइज जो है दोनों जो है ऐसा ही देखने को मिल जाता है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों के माइक्रोफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉइस सोर्स एक्सो के माइक्रोफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे मुझे काफी बेटर और काफी अच्छा यहाँ पे इसके माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो दोनों ईयरबड्स हैं वहाँ पे दोनों ईयरबड्स में आपको जो है माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा जिसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी लगी। आपको अगर डिटेल में इसकी परफॉर्मेंस जाननी है तो इसका जो डिटेल रिव्यू है उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिप वगैरह भी ऐड किया है इसके माइक्रोफोन का टेस्ट का जो है वो क्लिप ऐड किया है। तो यहाँ पे मुझे इसका जो परफॉर्मेंस है माइक्रोफोन का वो काफी अच्छा लगा। नॉइजेस बहुत ही ज्यादा हल्का है, बट नॉइजेस हल्का है यहाँ पे, बट फिर भी काफी अच्छा यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस देखने को इसका मिल जाता है। साथ में इसके दोनों ईयरबड्स को आप जो है ना सेपरेटली यूज कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो राइट वाला यूज कर सकते हैं, लेफ्ट वाले को चार्जिंग केस में डाल के चार्जिंग के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप राइट वाले को चार्जिंग केस में डाल दीजिए, लेफ्ट वाले को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सपोर्ट आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे क्रॉसबिट पेबल की बात करूं तो क्रॉसबिट पेबल में भी जो है दोनों के दोनों ईयरबड्स हैं उसके अंदर में आपको माइक्रोफोन का यूज किया गया है, और दोनों ईयरबड्स को भी आप इसके अंदर में भी सेपरेटली यूज कर सकते हैं, राइट वाला चाहिए तो राइट वाला, लेफ्ट वाला चाहिए तो लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे दोनों के अंदर में ये दो कॉमन आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे इसकी जो माइक्रोफोन की परफॉर्मेंस है वो भी मुझे इसके अंदर में भी काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल गया है और काफी बेटर परफॉर्मेंस मिलता है इसके अंदर में भी। तो यहाँ पे मैं बताऊं तो दोनों का जो परफॉर्मेंस है माइक्रोफोन का वो मुझे एक जैसा ही यहाँ पे देखने को मिला है। स्लाइटली 19-20 का फर्क हो सकता है, बट मुझे जो है वो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस दोनों का देखने को मिलता है। तो माइक्रोफोन वाइज जो है दोनों काफी अच्छा काम यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के जो है वो कनेक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों के अंदर में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और दोनों का जो रेंज है वो मुझे एक जैसा ही लगा और ठीक ठाक ही यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे क्रॉसबिट पेबल की बात करूँ तो क्रॉसबिट पेबल जो है विदाउट डिस्टर्बेंस आपके ईयरफोन और आपके स्मार्टफोन के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो तकरीबन 27-28 मीटर का जो है वो प्रॉपर रेंज प्रोवाइड कराता है। वहीं पे अगर डिस्टर्बेंस है कोई बीच में तो यहाँ पे तकरीबन आपको 9-10 मीटर का रेंज प्रोवाइड कराता है। वहीं पे इसके टेस्टिंग के अंदर में मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपके स्मार्टफोन और ईयरफोन्स के बीच में तो आपको तकरीबन ये 30 मीटर तक का रेंज आपको प्रोवाइड कराता है। वहीं पे डिस्टर्बेंस है तो 10 या 11 मीटर का आपको रेंज प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ये, बट इसको जो है इग्नोर कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं अलग अलग, उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि दोनों के दोनों जो है कनेक्टिविटी वाइज जो है वो काफी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके वाटर सर्टिफिकेशन का। तो यहाँ पे नॉइस सोर्स एक्सो के अंदर में जो है आपको IPX7 की वाटर सर्टिफिकेशन मिल जाती है जिसकी मैंने टेस्टिंग काफी अच्छी तरीके से करी है। यहाँ पे एक गिलास पानी में जो है इसको डुबो कर रखा है मैंने तकरीबन 10 मिनट तक, जबकि ये काफी उसके बाद जो मैंने इसको यूज किया तो ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस तब भी कर रहा था और आज भी ये कर रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं क्रॉसबिट पेबल का तो यहाँ पे IPX6 की वाटर सर्टिफिकेशन मिलती है, यानी कि ये आपका थोड़ा बहुत जो है पानी को झेल सकता है, थोड़े बहुत सेटिंग्स को ये झेल सकता है। तो यहाँ पे वाटर सर्टिफिकेशन वाइज जो है मुझे लगता है कि पूरी तरीके से विनर आपका नॉइस सोर्स एक्सो देखने को मिल जाता है।
अब बात कर लेते हैं दोनों के जो है ऑडियो के परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों। यहां पे अगर मैं बात करूं नॉइस शॉर्ट्स एक्सो का, तो इसके अंदर में कंपनी ने क्वालकॉम एप्टेक्स साथ में एएसी ऑडियो कोडेक का जो है वो यूज किया है। साथ में इसके अंदर में आपको 6mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, इसका जो डिटेल रिव्यू है उसमें मैं आपको नहीं बता पाया था, क्योंकि ना ही इसके वेबसाइट पर, ना ही इसके यूजर गाइड या यूजर मैनुअल के अंदर में, और ना ही इसके बॉक्स पर कहीं पर भी कुछ ऐसा मेंशन है कि कितने एमएम का ड्राइवर यूज किया गया और कौन सा ड्राइवर यूज किया गया। बट मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है नॉइस को जो है वो ट्वीट करके पूछा है, तो उनका जवाब मुझे आज सुबह यहां पे देखने को मिला है कि भाई इसके अंदर में 6mm का ड्राइवर का यूज किया गया। अब बात करूं मैं क्रॉसबीट पेबल का, तो यहां पे इसके अंदर में आपको क्वालकॉम एप्टेक्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, बट यहां पे एएसी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट जो है इसके अंदर में भी देखने को मिल जाता है। साथ में 6mm का ड्राइवर जो है इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब मेरा जो डिटेल रिव्यू है इन दोनों का, जब आप देखेंगे तो दोनों में मैंने इसको ऑडियो सेगमेंट में 10 में से 8.5 स्टार दिए हैं ऑडियो के अंदर में, और वो जो है वो सही है, क्योंकि दोनों का जो है ऑडियो का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मुझे एक जैसा ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर इन दोनों के बेस की बात करूं दोस्तों, तो दोनों के बेस जो है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बेस के अंदर में काफ़ी अच्छा आपको थंप देखने को मिल जाएगा, साथ में काफ़ी पंच भी देखने को मिलेगा, और डीपनेस भी आपको इन दोनों के जो है बेस के अंदर में देखने को मिल जाएगा। यानी कि बेस हेड टाइप के जो लोग हैं उनको दोनों के दोनों पसंद आने वाले हैं, और साथ में जो ऑडियो फाइल टाइप के लोग हैं उनको खास करके बेस सेगमेंट में ये आपके ईयरबड्स जो दोनों हैं वो आपको पसंद आएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इनके वोकल्स और ट्रिबल्स की, तो यहाँ पर वोकल्स और ट्रिबल जो है वो भी काफ़ी इनके जो सेपरेशन है दोनों के अंदर में काफी अच्छा यहां पे देखने को मिल जाता है। बट यहां पे नॉइस शॉर्ट्स एक्सो के अंदर में हल्का सा मुझे लगा कि इसका जो वोकल्स और ट्रिबल्स है वो ज्यादा बेटर, मतलब सेपरेशन काफी अच्छा है इसके अंदर में कंपेयर टू क्रॉसबीट पेबल से। वहीं पे अगर मैं बात करूं इनका जो है वो लोज या फिर मिड्स का, तो यहाँ पे लोज और मिड्स जो है, जो लोज और मिड्स फ्रिक्वेंसीज है उनके अंदर में जो है काफ़ी बैलेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट दोनों के अंदर में जो हाई फ्रिक्वेंसीज के सॉन्ग्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, ऑडियो वेव्स वगैरह होते हैं, वो जो है हाइज के अंदर में जो है आपका दोनों हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, स्पेशली तब जब आप 85-90% वॉल्यूम लेवल या उससे ऊपर के लेवल पे इसको जो है वो यूज करते हैं। बट 85-90% वॉल्यूम लेवल पे कौन यूज करता है दोस्तों, उससे 65-70 या 75 तक के वॉल्यूम लेवल पे लोग यूज करता है, तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बट उससे ऊपर के वॉल्यूम 85 या 90% वॉल्यूम लेवल या उससे ऊपर लेवल पे आप यूज करते हैं, तो दोनों के जो हाई फ्रिक्वेंसीज जो सॉन्ग्स होते हैं, जो आपके वेव्स होते हैं, उनमें आपको जो है पता चल जाएगा कि आखिर ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है दोनों के दोनों। तो यहाँ पे ऑडियो परफॉर्मेंस वाइज जो है दोनों ऑलमोस्ट मुझे सेम सा लगा है, बट यहां पे वोकल्स और ट्रिबल्स में जो सेपरेशन है वो हल्का सा इससे जो है बेटर आपको नॉइस शॉर्ट्स एक्सो के अंदर में देखने को मिल जाएगा। बट इतना भी ज्यादा बेटर नहीं है कि मैं एक पॉइंट ज्यादा इसको दे दूं, नहीं, इतना भी बेटर नहीं है, हल्का सा है, मामूली सा है, इसलिए मैंने जो है आपको 10 में से 8.5 स्टार दोनों को यहां पे दिए, ऑलमोस्ट सेम ही है दोस्तों। तो यहां पे ऑडियो परफॉर्मेंस वाइज तो दोनों एक जैसा ही आपको काम देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको इसके अंदर में क्वालकॉम एप्टेक्स का सपोर्ट मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यही था इसका डिटेल्ड कंपैरिजन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिर कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा वैल्यू फॉर नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ये टोटली जो एक कंपैरिजन है वो मैंने आपको बना दिया, आपको बता दिया कि किसके अंदर में क्या अच्छा है, किसके अंदर में क्या अच्छा नहीं है। अब आपका पैसा है, मेहनत, आपका हार्ड अर्नड मनी है, तो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो आपको देखना है, आपको डिसीजन लेना है। बट मेरे से पूछा जाए तो मैं आपको बताऊं, तो यहां पे अगर आपका बजट 5000 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टाइट है और 5000 तक है, तब तो मैं आपको बोलूँगा कि क्रॉसबीट पेबल जो है काफ़ी अच्छा चॉइस आपको देखने को मिल जाता है। बट अगर आप हल्का फुल्का, मतलब जा सकते हैं, आपके पास बजट है कि आप 500 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको नॉइस शॉर्ट्स एक्सो के अंदर में काफ़ी जो है वो बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है, खास करके आपका बैटरी डिपार्टमेंट में, खासतौर पे आपका क्वालकॉम का एप्टेक्स का ऑडियो कोडेक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ में आपको जो है ना वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से फीचर आपको इसके अंदर ज़्यादा मिलते हैं, वहीं पे IPX7 का वाटर सर्टिफिकेशन भी इसके अंदर में आपको देखने को मिलता है, तो थोड़े फीचर ज़्यादा मिलते हैं, तो वहीं पे 500 रुपये आपको जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि 5500 रुपये आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। बट अगर आपके पास नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्रॉसबीट पेबल भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है,
खासतौर पे सेल पीरियड के अंदर में आपको बताऊं तो काफी सेल पीरियड चलते रहते हैं दोनों ब्रांड्स के अंदर में। तो यहां पे अगर आपको तब भी दोनों के बीच में अगर 500 रुपए का डिफरेंसेस है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आपके पास अगर बजट बनता है तो आप इसके ऊपर जाइए, अगर बजट नहीं बना तो आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। मेरा ये अपना पर्सनल सजेशन है, बाकी आप लोगों का डिसीजन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी टाइप के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।